गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंध एवं उद्यमिता, सब्जेक्ट को EL 310। सेटिंग अप SSI, अभी हम सेटिंग अप SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ SSI की क्या प्रोसेस होती है, लैंड का अलॉटमेंट किस किस तरीके से होता है, रिको के द्वारा लैंड का अलॉटमेंट के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होते हैं, आवेदन करते समय फॉर्म के साथ क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होते हैं जो संलग्न करने होते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। आज हम अध्ययन करेंगे कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, यानी एक नए उद्योग की स्थापना करते समय, एक लघु उद्योग इकाई की स्थापना के दौरान भवन निर्माण की क्या आवश्यकता, भवन निर्माण में क्या आवश्यक होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किसी औद्योगिक इकाई को चलाने के लिए भवन की आवश्यकता होती है, जिसमें उसके प्रोडक्शन का और एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क कंप्लीट किया जा सके। तो किसी भी नई या किसी भी लघु उद्योग इकाई की स्थापना की बात करें तो उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट में दो प्रकार के भवन होते हैं। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सेकंड है वर्कशॉप एंड स्टोरेज रूम। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है प्रशासकीय भवन, जिसमें उस इंडस्ट्री से रिलेटेड पेपर वर्क और ऑफिस वर्क किया जाता है, जहाँ पर प्रबंधन का कार्य होता है, प्रोडक्ट से संबंधित डिसीजन लिए जाते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है, वित्तीय डिसीजन लिए जाते हैं, मार्केटिंग की स्टडी की जाती है। इस तरीके से रिलेटेड कार्य के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है प्रशासकीय भवन। सेकेंड है वर्कशॉप एंड स्टोरेज रूम, विच इंक्लूड्स गोदाम्स एंड वेयरहाउस एक्सेट्रा। ये बिल्डिंग होती है जहाँ पर वर्क, फिजिकल वर्क होता है, यानी कि यहाँ उत्पादन का कार्य होता है। इसमें स्टोरेज रूम और गोदाम्स होते हैं कच्चे माल को रिसीव करने के लिए, कच्चे माल को रखने के लिए, रॉ मटेरियल को स्टोरेज के लिए। देन वर्कशॉप होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उसके बाद हमें गोदाम्स चाहिए होते हैं तैयार माल को स्टोर करने के लिए। बात करते हैं कि ये जो भवन की आवश्यकता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कितने भवन चाहिए और या उनकी डिज़ाइन किस तरीके की होगी, ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री की नेचर क्या है, वो किस तरीके का सर्विस दे रही है या किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइन होती है। जैसे अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो उसकी नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि स्टोरेज रूम कैसा है, ओपन है, क्लोज्ड है, कम्प्लीटली क्लोज्ड है, या इसमें एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, या उसको उसमें AC कनेक्ट है, डीप फ्रीजर है। ये डिपेंड करेगा कि जो कच्चा माल आ रहा है उसकी नेचर क्या है, उसके प्रॉपर स्टोरेज के लिए किस तरीके के अरेंजमेंट की आवश्यकता है। इसी तरीके से वर्कशॉप की बात करें तो उस माल को प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके की मशीनरी की आवश्यकता है, उस मशीनरी के लिए किस प्रकार के भवन की, फाउंडेशन की आवश्यकता है, ये उस पर डिपेंड करेगा वर्कशॉप की डिज़ाइन। अब बात करते हैं गोदाम या वेयर हाउस की, तो जो तैयार प्रोडक्ट है उसकी नेचर किस तरीके की है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, उस पर डिपेंड करेगी उसकी डिज़ाइन। तो ये किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करते समय इन टू टाइप्स की बिल्डिंग्स की आवश्यकता होती है, जिनकी डिज़ाइन या जिनका लेआउट डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट की नेचर है। तो ये काम चालू होता है भूमि क्रय या आवंटन के पश्चात। जैसे ही भूमि अलॉट हो जाती है तो उसमें भवन निर्माण के लिए उसकी
नक्शा तैयार किया जाता है। और अगर ये नक्शे की आवश्यकता हमें जब इसके लिए लोन पास कराना होता है तब भी होती है, उससे पहले इससे रिलेटेड नक्शा दिखाना होता है। भूमि क्रय या आवंटन के पश्चात आवश्यक भवन का आकलन किया जाता है। एक बार भूमि अलॉट हो गई या भूमि बाय कर ली, लैंड अलॉटमेंट के बाद उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या इवोल्यूशन का काम स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए जो नक्शों का अनुमोदन का कार्य सक्षम अधिकारी से करवाया जाता है, जो उसके लिए एक प्रॉपर मैप डिज़ाइन करवाई जाती है और उसके बाद ही उसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य या निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। और जो कार्यशाला का भवन है इसमें निर्माण उत्पाद के विनिर्माण प्रक्रमों के आधार पर किया जाता है, यानी कि कार्यशाला की डिजाइन किस पर डिपेंड करेगी, उससे जो उत्पाद है उसकी नेचर पर। और उसमें आवश्यक कच्चे माल के भंडारण एवं उत्पाद के भंडारण की समुचित व्यवस्था भी आवश्यक है, यानी रॉ मटेरियल और प्रिपेयर प्रोडक्ट के स्टोरेज के लिए भी उसमें रूम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रॉपर अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है। वंस एन इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर द यूनिट इज सिक्योर्ड देन द नेक्स्ट जॉब इज दैट ऑफ फाइंडिंग अ सुटेबल आर्किटेक्ट। जब एक बार किसी इंडस्ट्री के लिए एक भूमि या प्लॉट का सिक्योर हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, यानी फाइनल हो जाती है कि इस इंडस्ट्री के लिए ये भूमि अलॉट हो गई है, तो उसके बाद अगली स्टेप होती है एक सुटेबल आर्किटेक्ट को फाइंड करना जो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग की डिजाइन कर सके। डिजाइन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हैज़ टू बी इन कंसोनेंस विद द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो औद्योगिक इकाई का जो भवन है उसकी जो लेआउट है या उसकी जो डिजाइन है वो उसकी इंडस्ट्री के नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एंड हैव एन अप्रोप्रिएट प्लांट लेआउट, और उसका एक प्रॉपर प्लांट लेआउट प्रिपेयर किया जाना चाहिए। एन आर्किटेक्ट्स एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज असेंशियल फॉर लोन एप्लीकेशन। जो आर्किटेक्ट के द्वारा एस्टीमेट तैयार किया जाता है कि बिल्डिंग के निर्माण में इतना कॉस्ट आएगी, इतना टाइम लगेगा, वो लोन एप्लीकेशन के लिए भी आवश्यक होता है। लोन के लिए अप्लाई करते समय उसके आवेदन के साथ बिल्डिंग का लेआउट और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट के उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा वो भी उसके साथ एक लगाया जाता है। फर्दर आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट फॉर मनी स्पेंट ऑन बिल्डिंग इज नीडेड फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन। लोन का भुगतान अदायगी या वह किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि जो लोन इंडस्ट्रियल्स द्वारा लिया जा रहा है वो उसको किस तरीके से खर्च करेगा, किस किस काम में किस तरीके से वितरित करेगा और उसकी अदायगी और भुगतान किस तरीके से करेगा, इसके लिए भी आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट कंपलसरी है ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन। यानी बैंक्स जब इंडस्ट्रियल्स फाइनेंस कंपनी से या किसी बैंक से या अन्य सोर्सों से लोन के लिए अप्लाई करता है तो उससे उसके लिए डिमांड की जाती है कि वह इसमें आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगाए कि इसका मनी किस तरीके से स्पेंड होंगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो इसके लिए उसका एक प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
जिससे उसकी कॉस्ट का भी एस्टिमेशन, कॉस्ट एंड टाइम का अंदाज़ा लगता है। और जो लोन देने वाली संस्था होती है उसका एक, उसको एक आधार मिलता है विश्वास करने का कि क्या प्लान है इस इंडस्ट्री का, इस पर कितना लोन के अमाउंट सेंक्शन की जानी चाहिए, इस तरीके के डिसीजन में भी ये आवश्यक होता है। तो ये हमारा हो गया भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। किसी भी लघु उद्योग इकाई की स्थापना में भवन निर्माण का कार्य, भूमि क्रय और भूमि आवंटन के पश्चात आरंभ होता है। इसके लिए उसका एक प्रॉपर लेआउट या नक्शा सक्षम अधिकारी के द्वारा तैयार कराया जाता है। और जो नक्शा किसके इस आधार पर तैयार किया जाता है कि उत्पाद की प्रकृति क्या है। और इस नक्शे का उपयोग लोन लेने के लिए भी किया जाता, लोन लेने के समय भी होता है कि लोन लेते समय आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है कि मनी किस किस तरीके से खर्च की जाएगी और उसका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। और किसी भी इंडस्ट्री में दो तरीके के भवन होते हैं, एक तो प्रशासकीय भवन और एक कार्यशाला तथा कार्यशाला एवं भंडार भवन। प्रशासकीय भवन में उससे इंडस्ट्री के प्रबंधन, फ्यूचर और वित्तीय संबंधी नियम, वित्तीय और मैनेजमेंट संबंधी डिसीजन लिए जाते हैं। और कार्यशाला एवं भंडारण में उसके उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया, उसके कच्चे माल का रिसीव करना, स्टोर करना, माल तैयार करना, तैयार माल स्टोर करना, तैयार माल भी को मार्केट तक पहुंचाने तक स्टोर रखना, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट तो ये हमारा हो गया औद्योगिक इकाई में भवन निर्माण का कार्य। थैंक यू स्टूडेंट्स।